Assalamualaikum YouTube family, Eid Mubarak. Welcome to another day, another cooking video with my Okay. Yeah. Okay. Yeah. तो आज हम बना रहे हैं चॉकलेट टार्ट ईद के लिए, क्योंकि मेरी नीस को चॉकलेट बहुत पसंद है. तो यहाँ पर हमने लिए हैं बिस्किट और मेरी नीस यहाँ पर हेल्प कर रही हैं. We can't show her face because she's so cute. It's just yes. Oh. तो ये वाले बिस्किट हम यूज कर रहे हैं. आप लोग अपनी पसंद के कोई भी बिस्किट यूज कर सकते हैं. बस उन बिस्किट्स को सपोर्ट ना करें, वो ना लें जो जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं. I don't like where this is going. तो यहाँ पे हमने ओरियो नहीं लिए, ये लिए हैं बिस्किट, एक जापानी बिस्किट है. सो ओप्स, हेलो, इधर दिखाओ, कैमरे में दिखाओ, लाइक दिस. और यहाँ पे मेन चीज बनाते बनाते सब खा भी रही है. चलो वो खा के बीच बना लिया नहीं था, वेरी बैड. अगर आप चाहें इसको ऐसे भी क्रम्स कर सकते हैं. हमने नहीं खाना. Am I going insane? What was that? Eat this! Okay. Yum. यहाँ पे इसके क्रीम को सेपरेट भी कर सकते हैं. मैं फिलहाल हाफ में से क्रीम निकाल लूंगी, लेकिन जरूरी स्पून के साथ इसको स्क्रैप कर लें बाकी पार्ट को. ये देखें इस तरह है. अभी तो आपने आश कहा था. ओके, तो हम इसी तरह से, चलो निजा आप सुन, आप सब बिकिंग ये 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 तो फिर जो खाते हैं बीच में क्रीम डाल देते हैं. ऐसे हमने सबकी क्रीम सेपरेट करेंगे. हलक साथ हेल्प करो, इसको ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, हलक ओपन करके दो. अच्छा मेरी नीस जो है ना उसे माओ नहीं बोली जाती, वो मामू मतलब कि मामू नानो नहीं बोल सकती, वो नाना कहेंगी, मामा कहेंगी, काफी बोलेंगी, लेकिन she can't say the wow sound. ये क्या था, खोल के वो दिखाई जा रही हो, फिर ओ एक, वेरी बैड. नो, इसको सेपरेट करो. फिर देख लो निजा. Oh man, she loves cooking though. इन कोई बात नहीं, फिर हम अपनी नीस के लिए बना रहे हैं. So it's okay. बीच में से खा भी नहीं तो इट्स ओके. आपको भी मजे का काम कराएंगे हम आपसे. कितने क्यूट हैं, लग रहे हैं नीजा, आप में चूड़ियां बनी हुई हैं. वैसे हम ये वीडियो ईद वाले दिन शूट कर रहे हैं क्योंकि मैं ये अपनी नीज के साथ बनाना चाहती थी, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने मेड इट, शी लव्ड इट. चलो आपसे अब एक मजे का काम करें. अच्छा मोस्टली हमने देखे सबकी क्रीम्स सेपरेट कर लिए इस तरीके से, ठीक है. ये हम बाद में जो चॉकलेट का बैटर बनाएंगे उसमें ऐड करेंगे. तो अभी मैं आपसे एक मजे का काम करती हूँ. अरे कहना क्या चाहते हो आप, मुझे फन ना बेले पिपान ना. हाँ, ऐसे करके
है ना भी क्या ये तो बहुत बड़ा आपके हनी पैग है ये है ना भी ऐसा क्यों है रा आपकी है रा इसको ऐसे ऐसे करोगे देखो हाँ आपको बताएं अब इसको हम क्रम्स कर लेंगे आप हैंड्स के साथ भी कर सकते हैं या फिर क्रशर में भी डाल के कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हम कुकिंग में आते हुए इंजॉय कर रहे हैं हम सब मस्ती कर रहे हैं सब खेल रहे हैं तो हम हैंड्स के साथ करेंगे इसको ऐसे क्रम्स में लेंगे इसको भी मैं ये सारे क्रम्स बना के फिर आप अच्छा ये थोड़ा सा देखें ऐसा हो गया अब हम इसमें डालेंगे ओके डन हो गया हनी पीछे ये इसमें हम थोड़ा सा मिल्क डालेंगे नो 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 ये इजी भी हो जाएगा थोड़ा सा कम है थोड़े से बिस्किट और डालेंगे ऐसे खाना खोले ऐसे पकड़ो नहीं बस बस वो आप खा लो बस ये अनीजा ले ले ये अनीजा खा ले इसमें रख दो इसमें इसमें उसमें उसमें ओ ये कैसे कुछ हम इसमें लगे पर स्टीम के साथ ही डाले हैं स्टीम तो देखो ना भी है ना भी चलो ना ओह शिट आई फॉरगॉट ऐसे बिस्किट हम डेकोरेशन के लिए मैं भूल गई हूँ ऊपर डेकोरेशन करनी है पहले भी मैंने ये बनाया हुआ लेकिन तब जो है हमने दूसरे प्रोडक्ट नो नीजा यहाँ इधर रखते ना नो वन इटर्निटी लेटर अच्छा ये भी बिस्किट बचे हैं इसको हम साइड पर कर देंगे लाइक दिस ठीक है ये हमारे पास बन बन गया I know it looks a bit weird but trust me okay so we should अब हमने क्या लेना है बटर your favorite where is it butter bomb it's here man lemon अनीसा का कितना funny लग रहा है ना सारे मुंह पर बिस्किट लगाए हुए हैं लेमन फिर से आधी वीडियो नीचे को पानी बनाने में पानी चल गई है नो नो लेमन बस लेमन 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 खाती था कुछ होनी आश 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 लेमन डाल दिया अच्छा इसमें हम ये बटर लिया हमने थोड़ा सा इस पैन में तेल था लेकिन अब बिस्किट रखे हुए थे तो कोई मसला नहीं है इसको हम स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से लाइक दिस ओके नीजा लर्न करो आप फिर नेक्स्ट टाइम आपने बनाना विदाउट एनी हेल्प ठीक है ना क्या बोला तूने बस सिंपली स्प्रेड करना है इसको और थोड़ा सा बटर हम इसमें भी थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि मैंने इसमें क्रीम आज ऐड की है तो मैं ज़्यादा बटर नहीं डाल रही क्या 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 हुआ था इसे ये पैन इधर करो इसको यहाँ से ओ हैंडी पीछे काट लो ऐसे मैन यू सो अनोइंग बट बच्चों को खाना मैंने कहा नहीं मिला
एंटरटेनमेंट भी आपको साथ मिलेगी ना इस वजह से। इसको इस तरीके से हमें नो नीजा इधर फोकस करो, उसको छोड़ दो, ऐसे नहीं उसको ठीक करो, ऐसे नहीं था ये, ऐसे नहीं था। Oh, come on, man. Yeah. No, ऐसे तो नहीं था। ओहो नीजा, नीजा ये आपके बिग की गम तो नहीं। मैं मैं इस तरीके से ऐसे 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 इवनली हमने इसको स्प्रेड किया है लाइक दिस एंड इट्स रेडी। शो मी, शो करो लाइक दिस। ठीक है, अब इसे हम करेंगे ये सड़ा हुआ लगा ना ऐसा लगा से वो कैमरे में दिखाने दो ना, एक मिनट रुको ना, हो गया। अच्छा इसको अभी हम करेंगे रेफ्रिजरेट क्योंकि चॉकलेट बिस्किट है इसलिए ऐसे लग रहा है। आप चाहें तो बटर कुकीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी पसंद के कोई से भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। वेट मैडम, तो इसको हम करेंगे रेफ्रिजरेट तकरीबन 30 मिनट्स या फिर 1 आवर तक, जब तक सेट नहीं हो जाता बेसिकली। तो यहाँ पर हम अपना रेडी करेंगे चॉकलेट का मिक्सचर। हो गया, ये रेडी हो गया, अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे। लीजा चलो बस, ओके ओके ओके, हाँ खा लो शाबाश। अब चॉकलेट चाहते हैं, ये बटर है, ये नहीं खाना ऐसे करके, ऐसे करके जाएगा बटर नहीं। ये देखो साथ अंदर करता है, हम उसे काम कर जाइए। ऐसे की हालत कुछ ऐसी हो गई आज, इसको भी हम क्लीन क्लीन कर लें। अच्छा अब क्या करेंगे, अब आप थोड़ा सा आप इधर होगा, तो आपका मुंह ना है बीच में, इसमें से वायर निकलेगी अभी, इसको हैंड नहीं लगाना। ओ We don't need this. Cleaning, 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 cleaning. No, no, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये चाहिए नीजा, ये देखो। अब हम बनाएंगे अपना चॉकलेट मूस। इसके लिए पहले हमें गर्म करना है पानी। Very good, madam. फिर देखो। इसको हैंडल नहीं लगाना, हैंडल नहीं लगाना, ठीक है क्या? इसको हैंड नो, ओके ओके क्या? इसे हैंड नो ना नो ना नो नो क्या? क्या 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 बिल्कुल पता नहीं क्या बोल रही है, लेकिन Let me put it in a language you can understand. फिर देख, मना किया हला ने भी ना नो, चलो मेरे पास और वहां से बोल दे करें, बोल ना बोल ऑलराइट। तो यहाँ से अब हम थोड़ा सा स्टोव के ऊपर काम करेंगे क्योंकि चॉकलेट मूस बनाना है, तो स्टोव ऑन है जिसकी वजह से मैंने अपनी नीस को थोड़ी देर के लिए भेज दिया है, सो आप लोगों को ऐसे ही वॉच करना पड़ेगा। तो चॉकलेट मूस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो टाइप की चॉकलेट ली है, डार्क एंड मिल्क चॉकलेट।
अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप सिर्फ मिल्क चॉकलेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवर स्वीट बहुत ज़्यादा ये हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि इसमें डार्क चॉकलेट का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि बिस्किट में क्रीम भी डली हुई है तो उसकी वजह से वो बहुत स्वीट होगा जो उसकी बेस है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे बटर। बटर डालने के बाद इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट नहीं है, ये चला हुआ। इस तरीके से अभी हम इसे होने देंगे मेल्ट। यू कैन सी सम ऑफ दिस थिंग इन इट। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और एक पेस्ट के फॉर्म में आ गई है, क्योंकि इसमें हमने बटर डाला था इसलिए। तो अभी स्टोव ऑफ है, ये बिल्कुल आपने हीट के ऊपर इसे नहीं करना जब क्रीम इसमें ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जो हमारी बिस्किट के अंदर की जो क्रीम थी, जो फिलिंग थी, वो भी हमने इस स्टेज में इसमें ऐड कर दिया। चॉकलेट टेस्ट करनी है। और जब ये रेडी हो जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो इसे ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज इट इज़ इसे बेस में, जो टार्ट की बेस थी, उसमें डालेंगे। यहाँ पे अभी ये रेडी नहीं हुआ, टार्ट को रेफ्रिजरेट किए हुए हमें तकरीबन 50 मिनट्स हो चुके हैं। इसमें जो मूस है वो डालने के बाद इसे मज़ीद 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर ही आप इसे सर्व करके खा सकते हैं। अभी ये रेडी नहीं हुआ, तो डेकोरेट करने के बाद ये फिर से जाएगा फ्रिज में। बाय द वे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताइएगा दैट हाउ आर यू फाइंडिंग माय कंटेंट। ऑलराइट, तो आप इसे किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, जिसकी बेस है वो किसी भी अपनी फेवरेट कुकीज से बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे हमारा ये रेडी हो चुका है चॉकलेट टार्ट। इट्स सो सिंपल। आप सब भी इस रेसिपी को ट्राई करें एंड डू लेट मी नो कि आप सबको ये रेसिपी कैसे लगी। एंड आई विल शो यू द रिएक्शन ऑफ माय नीज़ इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।